फियर स्ट्रीट। नेटफ्लिक्स की ये 3-पार्ट मूवी सीरीज आर्नस्टाइन के बुक्स पर आधारित है। स्टोरी की डिटेल्स में जाने से पहले आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए। फर्स्ट मूवी में हम 1994 में हुए इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर 1978 और 1666 वाली बैक स्टोरी को समझने के बाद वापस 1994 की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, पार्ट वन, फियर स्ट्रीट 1994। ये कहानी है यूनाइटेड स्टेट में बसे शेडी साइड टाउन की। एक रात यहाँ के मॉल में काम करने वाली एम्प्लॉई हीदर का उसके दोस्त ने मर्डर कर दिया। रायन पहले तो एकदम नॉर्मल लग रहा था, बट फिर अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और फिर उसने स्केलेटन का कॉस्ट्यूम पहनकर मॉल में ओवर टाइम करने वाले एम्प्लॉयज का मास मर्डर शुरू कर दिया। मरने से पहले हीदर ने 911 को कॉल करके अपनी लोकेशन बता दी थी। क्राइम सीन पर पहुंचते ही निक गुड ने रायन को मार दिया, बट पुलिस को यहां पर आने में काफी देर हो गई। फिर हमें पता चला कि शेडी साइड में इस तरह के मास मर्डर बड़ी कॉमन बात है। सालों से ही हर नई जनरेशन में इस तरह के साइको किलर्स जन्म लेते हैं, इसीलिए शेडी साइड को यूएस की मर्डर कैपिटल भी कहा जाता था। शेडी साइड में रहने वालों का मानना था कि इनके ऊपर सेराफियर नामी विच का श्राप है। 1666 में यहाँ के निवासियों ने सेराफियर को फांसी पर लटकाकर मार दिया था। मरने से पहले इस विच ने अपना हाथ काटकर शैतान के साथ डील कर ली कि मरने के बाद भी हमेशा वो शेडी साइड पर अपनी पकड़ बना कर रखेगी। और तब से हर नई जनरेशन में सेराफियर कुछ मासूम लोगों को अपने वश में करके उनसे मास मर्डर करवाती है। 1904, 1922, 1935, 1950, 1965, 78 और भी बहुत सारे मास किलिंग्स हैं जिनके तो रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे। इस सब की शुरुआत 1666 से ही हुई थी, जब यहाँ के लोकल पास्टर ने कुछ बच्चों की आंखें निकालकर उन्हें मार दिया था। उसी हादसे के बाद यहाँ के निवासियों ने विच सेराफियर का पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दिया। जहाँ शेडी साइड की पूरी बैंड बजी थी, वहीं इनका पड़ोसी टाउन सनीवेल फुल तरक्की कर रहा था। इसी वजह से दोनों टाउन के निवासियों में, खासकर स्टूडेंट्स में, बहुत झगड़े होते थे। मॉल वाले उस हादसे के बाद लोकल टीनेजर्स को लगने लग गया कि शायद सेराफियर का श्राप वापस आ गया। चलिए मूवी के कैरेक्टर से मिल लिया जाए। कहानी के मेन कैरेक्टर डीना जॉनसन का हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड सैम के साथ ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद सैम उसकी मम्मी के साथ सनीवेल शिफ्ट हो गई। डीना के भाई जॉश को ऑनलाइन विच हंटिंग में काफी इंटरेस्ट था। वो अपना मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस के साथ शेडी साइड की पहेलियां सुलझाने में लगाता था। डीना के बेस्ट फ्रेंड्स में शामिल हैं साइमन और केट, दोनों के दोनों एक नंबर के चर्सी प्लस स्कूल के ड्रग डीलर्स। बाय द वे, जॉश का केट पर बहुत बड़ा क्रश था। मॉल वाले इंसिडेंट में मरे लोगों को श्रद्धांजलि देने सनीवेल ने कैंडल लाइट विजिल ऑर्गेनाइज किया था। इसी गैदरिंग में डीना को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑलरेडी मूव ऑन होकर सनीवेल का एक टची बॉयफ्रेंड बना लिया। डीना ने सैम को उसकी चीजें वापस करके रिलेशनशिप का फुल एंड फाइनल एंड कर दिया। बट इसी दौरान विजिल में खड़े सनीवेल और शेडी साइड के टीनेजर्स आपस में भिड़ गए। इनकी ये लड़ाई ग्राउंड से निकलकर सड़क तक आ गई। सैम उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों के साथ शेडी साइड के बस का पीछा कर रही थी। उन्हें सबक सिखाने डीना ने उनकी गाड़ी पर ड्रिंक फेंकने की ठान ली, बट एन मोमेंट पर डीना की नाक से खून बहने लगा और उसका कंट्रोल छूट गया। जूस का कनेक्टर सीधा सैम की गाड़ी से टकराया और उनकी गाड़ी जंगल में जाकर क्रैश हो गई। सैम जख्मी हालत में रेंगते हुए गाड़ी से बाहर आई। जैसे ही इसके खून से भरे हाथों ने वहां की जमीन को टच किया, सैम को सेराफियर के विजन्स आने लगे। सैम नहीं जानती थी कि रेंगते हुए वो सेराफियर की कब्र के ऊपर जाकर बैठ गई। डीना और उसके दोस्तों ने फौरन बस रुकाकर सैम और बाकी घायल बच्चों को हॉस्पिटलाइज कर दिया। उसी रात को स्केलेटन का कॉस्ट्यूम पहनकर डीना और केट का पीछा करने लगा। डीना के घर के आसपास भटकने के बाद इसने केट के घर में घुसकर सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी और साइमन का खून से भरा टी शर्ट देखकर वहां से चला गया। इन्हें लगा कि शायद सैम का बॉयफ्रेंड पीटर स्केलेटन का कॉस्ट्यूम पहनकर इनको डरा रहा था। मामले की छानबीन करने डीना, जॉश, केट और साइमन सैम से मिलने हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल पहुंचकर इन्हें पता चला कि पीटर तो पूरा टाइम यहीं पर उसके साथ था। तभी अचानक स्कल हेड ने इन पर हमला कर दिया और पीटर समेत हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ मेंबर को मार डाला। किलर से भागते वक्त डीना ने देखा कि मास्क के पीछे रायन है, बट रायन टोरेस तो उस रात पुलिस के हाथों मारा गया था। इनके पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं था। किलर से अपनी जान बचाने ये हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर भाग गए। डीना और उसके दोस्त यहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन चले गए। इधर शेरिफ निक गुड ने मॉल के एम्प्लॉय मार्टिन को जेल में बंद करके रखा था। अपेरेंटली मार्टिन स्प्रे पेंटिंग करके टाउन को खराब कर रहा था। डीना ने गुड को बताया कि हॉस्पिटल में इसने रायन को देखा है। डीना का बयान सुनने के बाद गुड इन दोनों को अपने पार्टनर के हवाले करके खुद हॉस्पिटल की तलाशी लेने चला गया। जैसे डीना को पता चला कि पुलिस इनके कुछ काम नहीं आने वाली, इसने चुपके से ऑफिसर की बंदूक चुरा ली। बाहर साइमन का सामना एक और सुपर नेचुरल किलर से हुआ। डीना ने चुराई हुई गन से उस लेडी किलर को शूट करके साइमन की जान बचा ली, बट जल्दी इनकी समझ आ गया कि बंदूक इन सीरियल किलर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साइमन पर जिस लड़की ने हमला किया था उसका नाम रूबी लेन है।
1965 में इसने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों को मार के सुसाइड कर लिया था। इनके हिसाब से सेराफियर की एक और विक्टिम। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि एक बार साइको किलर बनते ही ये सारे अमर बन जाते हैं। जॉर्ज के पास तो भाई भर भर के सेराफियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, पर सवाल ये था कि अचानक सेराफियर की किलर आर्मी इनके पीछे क्यों पड़ गई। तभी सैम को क्लिक हुआ कि उस एक्सीडेंट वाली रात शायद इसने अनजाने में सेराफियर की कब्र को डिस्टर्ब कर दिया और उसी का बदला लेने विच ने सैम के पीछे अपनी आर्मी लगा दी। मतलब किलर्स इन चारों के नहीं बल्कि सिर्फ सैम के पीछे थे। एक्सीडेंट की रात सैम की मदद करते वक्त उसका खून इनके कपड़ों और जूतों पे गिर गया था। वो किलर सैम के खून को फॉलो करते हुए इनके घर तक आए थे। पहले इन्हें लगा कि शायद सेराफियर की कब्र को अनडिस्टर्ब करने के बाद वो किलर्स इनका पीछा छोड़ देंगे, पर इनका वो प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वो सैम के खून को चारे की तरह इस्तेमाल करके सारे किलर्स को एक जगह इकट्ठा करके जला देंगे। बहुत ही खतरनाक और स्ट्रेसफुल आइडिया था ये, इसलिए प्लान को अंजाम देने से पहले सारे अपने स्ट्रेस को रिलीव करने चले गए। साइमन अकेले, डीना सैम के साथ और जॉश केट के साथ। सही है, बट इनका ये प्लान भी फेल हो गया। इन किलर्स को चाहे जला के राख कर दो, इनसे पीछा नहीं छूटने वाला। फिर सैम ने डिसाइड किया कि वो किलर्स के सामने जाकर अपनी कुर्बानी दे देगी, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पर एकदम लास्ट मोमेंट पर सब ने सैम को ऐसा करने से रोक लिया। जॉर्ज के पास पड़े न्यूज़पेपर कटआउट से इन्हें पता चला कि 1978 में हुए मास किलिंग में एक लड़की बच गई थी, सी बर्मन। सैम की तरह ही इसने भी अपने विजन्स में सेराफियर को देखा था। अगर वो बच गई तो सैम को भी बचाया जा सकता है। इन्होंने फौरन फोन बुक से सी बर्मन का नंबर ढूंढकर उसे फोन लगाया, बट कोई जवाब नहीं मिला। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं। उसी न्यूज़पेपर में यह भी लिखा था कि 1978 वाले हादसे में सी बर्मन का हार्ट बंद पड़ गया था, बट समय रहते एक लोकल लड़के ने उसे CPR देकर फिर से चालू कर दिया। मतलब सर्वाइव करने से पहले सी बर्मन मर गई थी। जब तक सेराफियर का शिकार मर नहीं जाता, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। हार्ट स्टॉप हो गया, मतलब सी बर्मन कुछ समय के लिए मर गई थी। तो अब ये भी सैम को ड्रग्स का ओवरडोज देकर उसका हार्ट स्टॉप करेंगे और किलर से पीछा छूटते ही CPR और एडेनिन इंजेक्शन देकर उसे फिर से जिंदा करेंगे। या राइट, बट इनका ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। ड्रग्स को अटकते वक्त सैम ने उल्टियां करनी शुरू कर दी, जितना लिया सब बाहर। किलर्स को डिस्ट्रैक्ट करने बाकी सारे अपने कपड़ों पर सैम का खून लगाकर घूम रहे थे। उसी ब्लड को फॉलो करते हुए किलर्स ने साइमन और केट को मार दिया। छन से जो टूटे कोई सपना, बेचारा रे। ड्रग्स वाला प्लान फेल होने के बाद डीना ने सैम को टैंक में डुबोकर मार दिया और किलर्स के गायब होते ही इंजेक्शन देकर फिर से जिंदा कर दिया। मामला शांत होते ही पुलिस ने साइमन और केट को नशेड़ी साइको किलर्स घोषित करके सारा इल्जाम उनके सर पर डाल दिया। सैम और डीना फिर से कपल बन गए। हैप्पी एंडिंग, नॉट एग्जैक्टली। घर वापस लौटने पर डीना को सी बर्मन ने कॉल करके बताया कि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, सेराफियर इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिर हमने देखा कि कोई ब्लैक रोब पहने अंडरग्राउंड टनल्स में शैतान की पूजा कर रहा है और दीवारों पर लिखे सेराफियर की किलिंग आर्मी में अब सैम का नाम भी ऐड हो गया। दीवार पर नाम छपते ही सैम मानो किसी के वश में आ गई और इसके ऊपर भी साइको भूत सवार हो गया और उसने डीना पर हमला कर दिया। डीना ने किसी तरह सैम को बांध दिया और उसे लेकर जॉर्ज के साथ सीधा सी बर्मन से मिलने चली गई। फियर स्ट्रीट पार्ट 2, 1978। इस पार्ट में हम सी बर्मन की बैक स्टोरी जानेंगे। जुलाई 1978, नाइटविंग कैंप। शेडी साइड की जिगी बर्मन पर सनीवेल के कुछ टीनेजर्स ने चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक पेड़ से बांध दिया। यह वही पेड़ है जहां पर 1666 में सेराफियर को फांसी दी गई थी, द हैंगिंग ट्री। इन टीनेजर्स का मानना था कि शायद जिगी पर भी सेरा का भूत सवार हो गया और वो उसे विच बुलाकर लाइटर से जलाने लगे। उसी वक्त कैंप के सुपरवाइजर कर्ट और निक ने इन्हें रोक लिया। शेडी साइड की बाकी फैमिलीज की तरह ही जिगी की फैमिली सिचुएशन भी काफी खराब थी। जिगी यहाँ पर अपनी बड़ी बहन सिंडी के साथ कैंप अटेंड करने आई थी। दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती। सिंडी को शेडी साइड के बाहर निकलकर लाइफ में कुछ बड़ा करना था, बट जिगी का मानना है कि शेडी साइड वालों की जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं, यहाँ के सारे लोग फूटी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। जिगी की कैंप के नर्स लेन के साथ बड़ी जमती है। नर्स लेन मतलब 1965 मास मर्डर वाली रूबी लेन की मम्मी। जिगी ने नोटिस किया कि किसी वजह से नर्स लेन बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी। कुछ देर बाद ही नर्स लेन ने सिंडी के बॉयफ्रेंड टॉमी पर हमला कर दिया, ये बोल के कि नर्स लेन ने उसका नाम दीवार पर लिखा देखा था। ऐसे भी वैसे भी आज रात तो टॉमी का मरना तय है, तो नर्स लेन टॉमी को अपने हाथों से मारकर उसे सेराफियर के कर से बचाना चाहती थी। समय रहते सिंडी और टॉमी ने लेन को रोक लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सबको लगता है कि शायद अपनी बेटी रूबी की तरह ही नर्स लेन की भी सटक गई, बट सिंडी और टॉमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे।
तो मामले की छानबीन करने वो नर्स लेन के कैबिन की तलाशी लेने चले गए, जहां इनकी मुलाकात सिंडी की पुरानी दोस्त एलिस और उसका बॉयफ्रेंड आर्नी से हुई। ये दोनों यहाँ पर ड्रग्स ढूंढने आए थे। कैबिन की तलाशी लेते वक्त इन्हें नर्स लेन की पर्सनल डायरी मिली, जिसमें सेराफियर के बारे में भर भर के इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। सेराफियर के बैक स्टोरी के साथ साथ इन्हें डायरी के अंदर विच के घर का मैप भी मिला। सेराफियर के मरने की जगह पर ही आगे चल के इनका नाइट विंग कैंप बना था, तो नर्स लेन इस कैंप में बस सेराफियर पर रिसर्च करने आई थी। हर हॉरर मूवीज के भोंदू कैरेक्टर्स की तरह ही इन लोगों ने भी भरी रात में सेराफियर के घर को ढूंढने का डिसीजन लिया। मैं आपको फॉलो करते हुए फाइनली ये विच के अंडरग्राउंड घर तक पहुंच गए। देख के लग रहा है कि हाल ही में कोई यहाँ पर विच क्राफ्ट करने के लिए आया था। सारी कहानियां सच थी। सेराफियर ने शेडीसाइड की जमीन के अंदर अपना विच मार्क छोड़ा था, जिसकी मदद से वो ऊपर के लोगों पर कंट्रोल करती थी। गुफा के अंदर जाने पर सिंधी और एलिस ने देखा कि यहाँ की दीवारों पर शेडीसाइड के सारे सीरियल किलर्स के नाम लिखे थे। सरप्राइजिंगली उन नामों में सिंडी के बॉयफ्रेंड टॉमी स्लेटर का भी नाम मौजूद था। ये फौरन समझ गए कि नर्स लेन बिल्कुल ठीक कह रही थी, पर अब काफी देर हो चुकी। टॉमी पर ऑलरेडी साइको किलर का भूत सवार हो गया और उसने कुल्हाड़ी उठाकर एलिस के बॉयफ्रेंड को मार डाला। सिंडी और एलिस ने पत्थरों से गुफा का रास्ता बंद करके साइको टॉमी से पीछा छुड़ा लिया, बट अब इन्हें बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उधर टॉमी ने क्लासिक शेडीसाइड किलर अंदाज में कैंप जाकर मासूम लोगों का मास मर्डर शुरू कर दिया। यही कैंप में सनीवेल की टीनेजर शीला से बदला लेने के लिए निक ने जिगी की मदद की थी, उसे कॉकरोच से भरे टॉयलेट में बंद करके। बदला पूरा होते इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया। फिर कैंप में टॉमी का कहर देखकर निक उसके साथी सुपरवाइजर के साथ सारे बच्चों को इकट्ठा करने चला गया, ताकि समय रहते ये लोग उन्हें बस में बिठाकर यहां से भगा सकें। और जिगी शीला को टॉयलेट से आजाद करने चली गई। खेव में भटकते हुए सिंडी और एलिस को पता चला कि ये विच ने उसका मार्ग सिर्फ यहाँ के जमीन पर नहीं कुरेदा था, बल्कि ये पूरी की पूरी गुफा ही मार्ग के शेप में बनी है। मतलब ये लोग मार्ग के डायग्राम को मैप की तरह यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते वक्त इन्हें गुफा के अंदर ये अजीब सी काली जिंदा चीज दिखी, कोई ब्लैक सब्सटेंस जो किसी दिल की तरह धड़क रहा था। सिंडी के मना करने के बावजूद भी एलिस ने उस चीज पर हाथ रख दिया। उसे टच करते ही एलिस को शेडीसाइड के किलर्स और विक्टिम्स के विजन्स आने लगे। उन्हीं विजन से भागते भागते एलिस ने अपनी टांग तोड़वा दी। गुफा में लगी काई देखकर सिंडी को याद आया कि उसने ऐसे ही लाल मॉस कैंप के टॉयलेट्स में भी देखे थे, वही टॉयलेट जहां पर जिगी ने शीला को बंद करके रखा था। टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही गुस्सेल शीला ने जिगी पर हमला कर दिया, बट जिगी ने उसे नॉकआउट पंच मार के बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद ही जिगी को ढूंढते हुए यहां पर सुपरवाइजर गैरी आ गया। तभी इन दोनों को जमीन के नीचे से सिंडी और एलिस की चिल्लाने की आवाज आई। इससे पहले कि गैरी और जिगी दोनों को गुफा से बाहर निकाल पाए, वहां पर किलर टॉमी आ गया और उसने गैरी को मार दिया। जिगी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गई और निक के साथ साइंस लैब में जाकर छुप गई। पर टॉमी ने इन्हें यहां भी ढूंढ लिया और निक को जख्मी करके वो जिगी के पीछे चला गया। बाहर जाकर जिगी ने देखा कि कैंप के बचे हुए सर्वाइवर्स इन्हें बिना लिए ही बस में बैठकर भाग गए। मैप को और अच्छे से देखने के बाद सिंडी और एलिस को पता चला कि गुफा से बाहर निकलने का एक और रास्ता है जो सीधा कैंप के मेस हॉल से निकलेगा। सिंडी अकेली बाहर जाने का रास्ता ढूंढने चली गई, तो एलिस ने वहीं रुककर विच के कटे हुए हाथ को ढूंढने की ठान ली। सिंडी ने फाइनली मेस हॉल का रास्ता ढूंढ लिया। जिगी भी टॉमी से भागते हुए यहीं पर आई थी। जिगी ने टॉमी को मारने की कोशिश में उसे ये आइकॉनिक शेडी साइड किलर का लुक दे दिया। पिछले मूवी में भी दिखा था, ये याद है ना। अपने बहन की जान बचाने की खातिर सिंधी ने टॉमी को मार दिया, एटलीस्ट उसे ऐसा लगा कि उसने टॉमी को मार दिया। कुछ देर बाद ही यहाँ पर एलिस भी आ गई। इसने सिंधी और जिगी को बताया कि इसने डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक गुफा में सेटन स्टोन के पास खुदाई करके सेराफियर का कटा हुआ हाथ ढूंढ लिया। इसे सेटन स्टोन की लोकेशन कैसे पता चली? वेल, कहानियों के हिसाब से सेराफियर ने सेटन स्टोन पर अपना हाथ काटकर सेटन के साथ डील की थी, और जब भी कोई सेराफियर की बॉडी के आसपास जाएगा उसकी नाक से खून बहने लगता है, इसीलिए सारे कैरेक्टर्स को सेराफियर के हड्डियों के पास नोज ब्लीड हो रहा था। एलिस जब गुफा के नीचे बैठी थी तब उसकी नाक से भी खून बहने लग गया, मतलब सेराफियर की बॉडी या उसका कटा हुआ हाथ आसपास ही कहीं था। बस थोड़ा सा ढूंढने के बाद इसे हाथ मिल गया। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने सेराफियर के कटे हुए हाथ को उसकी बॉडी से मिला दिया तो शेडी साइड से विच का श्राप उठ जाएगा। डायरी में लिखी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सेराफियर की बॉडी उसके हैंगिंग ट्री के नीचे दफन है, वही मूवी के स्टार्टिंग वाला पेड़। तभी जिगी के नाक से खून टपक कर सेराफियर के हाथ पर गिर गया और इसे भी विच के विजन्स आने लगे। इसके फौरन बाद गुफा में मौजूद ब्लैक सब्सटेंस से शेडी साइडर के किलर्स बाहर निकलने लगे और टॉमी भी फिर से जिंदा हो गया। टॉमी एलिस को मारकर जिगी के पीछे पड़ गया, बट सिंडी ने उसका सर उड़ाकर फिर से अपनी बहन को बचा लिया। पर टॉमी की बॉडी फिर से हिलने लगी और जल्दी ये समझ गए कि और भी किलर्स इनके पीछे आ रहे थे।
सिंडी और जिगी भागकर हैंगिंग ट्री के पास चले गए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां पर सेराफेयर की बॉडी नहीं मिली। बॉडी की जगह बस एक पत्थर खड़ा था जिस पर लिखा था कि सेराफेयर अमर रहे। धीरे धीरे शेडी साइडर के किलर्स ने दोनों बहनों को घेर लिया। सिंडी ने देखा कि किसी वजह से सारे किलर्स बस जिगी को ही अपना टारगेट बना रहे थे। जिगी को बचाने की खातिर सिंडी ने बीच में आकर अपनी जान दे दी, बट इसकी कुर्बानी पूरी तरह से वेस्ट हो गई और किलर्स ने जिगी को भी मार दिया। कुछ देर बाद ही निक ने सीपीआर देकर जिगी को फिर से जिंदा कर दिया। जिगी ही सी बर्मन है, क्रिस्टीन बर्मन, और निक है शरीफ निक गुड। इस हादसे के दौरान सेराफियर का हाथ बारिश में हैंगिंग ट्री के नीचे दफन हो गया। ओके, बैक टू 1994। सी बर्मन से सारी कहानी सुनने के बाद डीना ने उसे बताया कि उन्होंने एक्सीडेंटली सेराफियर की बॉडी की एक्चुअल लोकेशन ढूंढ ली। बॉडी जंगल में दफन है और हैंड हैंगिंग ट्री के नीचे। 1994 में हैंगिंग ट्री की लोकेशन पर शेडी साइड मॉल बन गया, पर जो ट्री और उसके आसपास की जगह एकदम कन्वीनियंटली बिल्कुल सुरक्षित थी। बॉडी और हाथ को आपस में मिलाते ही शेडी साइड का श्राप खत्म। डीना और जॉश सेराफियर के हैंड को लेने मॉल चले गए, तो दूसरी तरफ सी बर्मन ने मदद के लिए शेरिफ गुड को कॉल करके सब कुछ बता दिया। सेराफियर का हैंड मिलते ही डीना ने फौरन उसे जंगल वाली कब्र में जाकर रख दिया। सेराफियर की बॉडी और हैंड फिर से यूनाइट हो गए। तभी डीना के नाक से खून निकलने लगा। खून से सने हाथों से सेराफियर की बॉडी को टच करते ही डीना को विच के विजन्स आने लगे, पर इस बार फ्लैशबैक्स नहीं। बॉडी को टच करते ही डीना की कॉन्शियसनेस 1666 में पहुंच गई। उसने खुद सेराफियर बनकर उसकी असली कहानी जान ली। फियर स्ट्रीट पार्ट 3, 1666। इस पार्ट में हम सेराफियर की ओरिजिनल बैक स्टोरी देखेंगे। कैरेक्टर्स के चेहरे देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। कास्टिंग बजट बचाने के लिए 1666 वाली स्टोरी में इन्होंने पिछले दो मूवीज वाले ही एक्टर्स यूज कर लिए। ओके, फ्लैशबैक टाइम। शेडीसाइड और सनीवेल में डिवाइड होने से पहले यहाँ के सारे लोग साथ मिलकर यूनियन की तरह रहते थे। सेराफियर अपने पापा और छोटे भाई के साथ आम जिंदगी बिता रही थी। सेना और पास्टर मिलर की बेटी हैना के बीच काफी जिगरी दोस्ती थी। बाद में इनकी समझ आया कि ये दोस्ती नहीं प्यार है। सेम सेक्स कपल को आज के जमाने में इतने प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, सोचो 17वीं सेंचुरी में इनका क्या हाल होगा। इसलिए दोनों हमेशा अपने प्यार वाले फीलिंग्स को इग्नोर किया करते थे। सेना और हैना के अलावा कहानी के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में शामिल हैं इनके दोस्त लिजी और आइजिक, गुड फैमिली के मेंबर सोलोमन और एलाइजा गुड, मैड थॉमस, केलब और आंखें निकालकर गोटियां खेलने वाले लोकल पैस्टर साइरस मिलर। एक रात सेरा अपने दोस्तों के साथ चुपके से जंगल में पार्टी अटेंड करने चली गई। पार्टी में जाने से पहले ये लोग टाउन के विच की झोपड़ी से नशे वाले बेरीज चुराने चले गए। यहीं पर सेरा को काले जादू की किताब रखी मिली जिसके अंदर डेविल से डील करने वाले सारे डिटेल्स लिखे थे। बट फिर वहां पर वो विडो विच आ गई और सारे भागकर पार्टी अटेंड करने चले गए। पार्टी के दौरान नशे में धुत केलब ने हैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर फिर सेरा ने केलब की खुले आम बेइज्जती करके उसे रोक लिया। इस इंसिडेंट के बाद सेरा और हैना पार्टी छोड़कर जंगल में चले गए। एंड देन दे डू इट, फाइनली इनके मिलन के अगली सुबह ही मानो टाउन पर कोई श्राप पड़ गया। गांव में अजीब अजीब से हादसे होने लगे और पास्टर साइरस मिलर ने टाउन के बच्चों को चर्च में बंद करके मार दिया। कैसे मारा? हुक से सबकी आंखें निकालकर। बस फिर क्या था, टाउन में यह अफवाह फैल गई कि किसी काले कांड की वजह से इनके ऊपर शैतान का साया पड़ गया। केलब ने टाउन मीटिंग के दौरान अपने पार्टी वाला बदला लेने के लिए सेरा और हैना को विचेस घोषित कर दिया। उस रात जंगल में मैड थॉमस ने सेरा और हैना को इंटीमेट होते देख लिया था। मैड थॉमस से कंफर्मेशन मिलते ही टाउन के सारे लोग सेरा और हैना के पीछे पड़ गए। सेरा ने सोचा कि वो असली विच से काली जादू की किताब चुराकर डेविल के साथ डील कर लेगी ताकि टाउन वाले इन दोनों का पीछा छोड़ सके। बट विच की झोपड़ी में जाते ही सेरा ने देखा कि किसी ने ऑलरेडी विच को मारकर वो काले जादू की किताब चुरा ली थी, मतलब असली कल्प्रिट कोई और ही था। गांव वालों ने हैना को पकड़ लिया। फिर इनसे जान बचाने सेरा जाकर सोलोमन गुड के घर में छुप गई। इसी वक्त सेरा को पता चला कि सोलोमन ने अपने बेसमेंट में विचक्राफ्ट का पूरा सेटअप लगा कर रखा था, मतलब विडो विच को मारकर काले जादू की किताब सोलोमन ने ही चुराई थी। अपनी पोल खुलने के बाद सोलोमन ने सेरा के सामने कन्फेस कर दिया कि हाँ, वो बुक इसी ने चुराई थी। सोलोमन ने पैसा और पोजीशन हासिल करने के लिए डेविल के साथ डील कर ली और उसके बदले डेविल को पास्टर मिलर का नाम दे दिया। बट अब हो गया सो हो गया, सोलोमन ने सेरा को अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। ऑब्वियसली सेरा ने ये ऑफर ठुकरा दिया, इसे तो सारा सच गांव वालों के सामने लाकर हैना को बचाना था। सोलोमन ने इसे रोकने की काफी कोशिश की बट सेरा वहां से भागने में कामयाब हो गई। इन दोनों के बीच चली इसी हाथापाई के दौरान सोलोमन ने सेरा का हाथ काट दिया था। तो भाई ऐसा सेराफियर का हाथ कटा था। एनीवेज,
सेना सोलोमन की पकड़ से तो छूट गई, पर इसकी कौन सुनने वाला था। पार आते ही गांव वालों ने इसे पकड़ लिया और हैना के साथ फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर चले गए। लास्ट मोमेंट पर हैना की जान बचाने सेरा ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया कि जो भी हुआ है उसमें हैना की कोई गलती नहीं। सेरा ने अपना विचक्राफ्ट यूज करके हैना के दिमाग पर कंट्रोल किया था। झूठे कन्फेशन को सुनने के बाद गांव वालों ने हैना को आजाद कर दिया और सेरा को फांसी पर चढ़ा दिया। मरने से पहले सेरा ने सोलोमन से वादा किया कि वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, एक दिन असली सच जरूर बाहर आएगा। एग्जीक्यूशन के बाद सेरा के दोस्तों ने उसकी बॉडी को हैंगिंग ट्री के नीचे से निकालकर दूसरी अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया। द विच फॉरएवर लिव्स वाला वो पत्थर इन्होंने यहीं पर छोड़ा था। तो ये थी सेरा फियर की ओरिजिनल बैक स्टोरी। नाउ बैक टू 1994। डीना फाइनली समझ गई कि गुड फैमिली बरसों से उस काले जादू की किताब की मदद से शेडी साइड की बैंड बजाते आ रहे हैं। इनकी जनरेशन का हर नया वंश अपने मतलब के लिए डेविल के साथ डील करके शेडी साइड के मासूम लोगों को चढ़ावे पर चढ़ाता था। मतलब वो साइको किलर सेना फियर की नहीं, गुड के लिए काम करने वाली शैतान की आर्मी थी। कुछ देर बाद निक गुड ने सेना और उसके भाई को जंगल में ढूंढ लिया। डीना और जॉर्ज किसी तरह अपनी जान बचाकर सी बर्मन के घर वापस चले गए और जिगी को निक और गुड फैमिली की सारी सच्चाई बता दी। जिगी के जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि निक उसे पसंद करता था। इधर यह भी क्लियर हो गया कि वो साइको किलर सिलेक्टेड लोगों को ही अपना शिकार क्यों बना रहे थे। पहले गुड फैमिली का नया वंश अपने मतलब के मुताबिक शैतान को किसी शेडी साइड निवासी का नाम दिया करता था, फिर शैतान उसे सीरियल किलर बनाकर उससे मास मर्डर करवाता था। इसके बदले गुड फैमिली की विश पूरी हो जाएगी। निक ने शरीफ बनने के लिए रायन का नाम दिया, इसलिए उस रात मॉल में रायन ने रैंडम किलिंग शुरू कर दी है। शेडी साइड का मेन कर्स बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। पर 1978 और 1994 में सेरा फियर की हड्डियां छूने के बाद जो हुआ वो चीज मेन कर्स से काफी अलग थी। जिसने भी उन हड्डियों को छुआ था उन्हें सेरा फियर के विजन्स आ रहे थे। सेरा फियर उन विजन्स में सबको गुड की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी कि गुड इज इविल, असली कल्प्रिट तो गुड फैमिली है। बट शायद बॉडी के इनकम्प्लीट होने की वजह से सेरा किसी को अपना सारा सच नहीं बता पाई। डीना ने जैसे ही सेरा के कटे हुए हाथ को उसकी बॉडी से मिला दिया, सेरा ने इसे अपना सारा सच दिखा दिया। गुड और द डेविल इसी सच को बाहर आने से रोकना चाहते थे, इसीलिए वो साइको किलर्स बस उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे थे जिनको सेरा के विजन्स आए थे। ओके, फिर सब ने डिसाइड किया कि वो मार्टिन की मदद से किलर्स को मॉल के शॉप में कैद कर लेंगे, फिर निक को वहां बुलाकर उसे डीना के खून से नहला देंगे और किलर्स को आजाद करेंगे। ऐसा करने से किलर्स डीना के खून को फॉलो करते हुए निक को ही मार देंगे। इनके हिसाब से निक के मरते ही शेडी साइड का श्राप खत्म हो जाएगा। एक और चीज, सारे टाउन में स्प्रे पेंट करके निक ही सेरा फियर के डर को कायम रख रहा था। निक हमेशा ही इसका इल्जाम मार्टिन के सर पर डाल देता था, इसीलिए मार्टिन इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था, इन्होंने किलर्स को शॉप में बंद करके निक को अपने जाल में फंसा लिया। बट लास्ट मोमेंट पर इनका प्लान फेल हो गया और निक अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए वहां से भाग गया। डीना निक का पीछा करते हुए टनल्स के अंदर चली गई और पोजेस सैम किसी तरह कैद से आजाद होकर डीना के पीछे चली गई। अंदर डीना और सैम के बीच चली हाथापाई के दौरान डीना ने उसे बेहोश कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर निक ने डीना पर हमला किया। निक ने ऑलमोस्ट डीना को मार ही दिया था, बट एन मोमेंट पर डीना ने निक का हाथ उठाकर उस ब्लैक सब्सटेंस पर रख दिया। इसके कॉन्टैक्ट में आते ही निक को शेडी साइड के किलर्स और विक्टिम्स के विजन्स आने लगे। निक के पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होते ही डीना ने उसे मार दिया और फाइनली शेडी साइड पर लगे श्राप को खत्म किया। निक के मरते ही किलर समेत शेडी साइड के ग्राउंड से विच का मार्ग भी गायब हो गया और सैम भी फाइनली शैतान के वश से बाहर आ गई। अरे दीदी, वो बुक पीछे ही रह गई, वो काले जादू की किताब। हेलो, कमाल है। एंड सीन में हमने देखा कि अथॉरिटीज ने निक गुड को सीरियल किलर घोषित कर दिया, बट निक के भाई और बाकी गुड फैमिली को कोई सजा नहीं मिली। इसी के साथ सनीवेल के अच्छे दिन खत्म हुए और शेडी साइड के अच्छे दिन शुरू हो गए। डीना के पापा इंटरव्यू देने चले गए। मार्टिन ने खुद का बिजनेस खोल लिया। डीना और सैम सेना की कब्र पर पिकनिक मनाने चले गए और जॉश को फाइनली क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस की रियल आइडेंटिटी पता चली। तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कैरेक्टर तो यही है भाई। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि किसी ने टनल्स में पड़ी वो जादू की किताब चुरा ली और यहां होता है पार्ट 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।